मॉर्निंग स्टूडेंट, सृष्टि हिंदी पाठशाला कक्षा 5, लेसन नंबर 15, एक बकरी का बलिदान। बहुत से चरवाहे हमेशा हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चराने ले जाते थे, पर इधर कुछ दिनों से एक भेड़िया हर दूसरे दिन एक बकरी खा जाता। तंग आकर चरवाहे ने कहा, वहां बकरियां चराना बंद कर दिया और सभी बकरियों ने मौत से अच्छा बाड़े में कैद रहना ही ठीक समझा। एक चरवाहा था, वो बकरियां चराने के लिए पहाड़ों पर जाता था, लेकिन वहां पर एक भेड़िया आता था और हर एक दूसरे दिन एक बकरी को खा जाता, जिसकी वजह से उसने बाड़े में ही बकरियों को कैद कर दिया और वहीं पर ही उसने चारा देना शुरू कर दिया। बकरियों ने भी समझौता कर लिया कि हमने मरने से तो बेहतर है कि बाड़े में ही कैद रहना। बाड़े में कैद बकरियों में से एक युवा बकरी को यह कैद पसंद नहीं है। वह सोचने लगी कि बंधन में डर कर रहने तो कोई अच्छी बात नहीं है, हमें इन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। भेड़िया तो पहाड़ से उतरकर बाड़ में भी कूद सकता है। इन्हीं विचारों में खोई वह हरे भरे पहाड़ों को हसरत भरी नजरों से देखती रहती थी। बकरियों में एक युवा बकरी थी जो ये सोचती थी कि डरकर यहाँ पर बैठने से तो बेहतर है कि हम परिस्थितियों का सामना करें। अगर हमें खाना होगा भेड़िया को तो भेड़िया यहाँ भी आकर हमें खा सकता है। अपने सभी साथियों को वह बहुत समझाने का प्रयत्न करती कि हमें डर कब तक बाड़े के बंधन में रहेंगे। भेड़ियों को मुंह में हमारा खून लग गया है, वह आज नहीं तो कल बाड़े में आएगा ही। पर सभी बकरियां डरी हुई थी, इसीलिए वो उसका समर्थन नहीं करती थी। वो बाकी बकरियों को समझाने लगी कि यहाँ पर डर कर रहने से कोई फायदा नहीं है, अगर हमें खाना होगा तो वो यहाँ पर भी आके भेड़िया हमें खा सकता है। लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि उसका साथ न दे सकी। लेकिन युवा बकरी तो भेड़िया का सामना करना चाहती थी और जानना चाहती थी कि उसके होते हुए भेड़िया कैसे बकरी को ले जाता है। बकरी बड़ी भेड़िया से आमना सामना करने का लालसा जागृत होती चली गई, लेकिन उस जो युवा बकरी थी उसी को भेड़िया का सामना करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो ये जानना चाहती थी, ये देखना चाहती थी कि भेड़िया कैसे उसके होते हुए अन्य बकरियों को लेके जा सकता है। एक दिन मौका मिलते ही बकरी बाड़े से बाहर हरे भरे पहाड़ों पर पहुंच गई और कूती फांती चरती दिन भर पहाड़ पर घूमती रही और भेड़िया के सामना करने के लिए अतुर थी। एक दिन क्या हुआ, वो बाड़े से चुपके से निकलकर पहाड़ों के ऊपर चली गई और वहां पर क्या करने लगी, भेड़िया का इंतजार करने लगी। ठीक है, शाम को पहाड़ से नीचे उतरते हुए उसने दबे पाव भेड़िए को आते देखा। उसकी लाल लाल आंखें, लप लपाती जीभ और चतुर शिकारी चाल से वो समझ गई कि उसकी नजर मुझ पर ही टिकी है। बकरी को देखकर भेड़िया मुस्कुराया। जब वो नीचे पहाड़ों से उतर रही थी तब उसने देखा कि सामने से भेड़िया आ रहा है और उसने उससे मुस्कुराकर कहा कि तुम बहुत प्यारी हो, चलो मैं तुम्हें हरे भरे पहाड़ दिखाता हूँ। वो उसकी चालाकी समझ गई थी, उसकी शिकारी चाल वो समझ गई थी, बराबर है ना। वो थोड़ा पीछे हटी और उसने इतनी जोर से भेड़िए को टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका और पत्थर से ऊपर औंधे मुंह गिर गया। जैसे ही उसने उसके करीब आया भेड़िया, उसने जोर से उसको टक्कर मारी और वो असावधान था, वो नहीं सोच सकता था कि मुझे बकरी मार सकती है। इसीलिए उसने क्या किया, वो जैसे ही उसको उसने टकराया वो औंधे मुंह एक पत्थर पर जा गिरा। इस तरह का हमला पहली बार हुआ था, वो मौचका हो गया क्योंकि पहली बार कहते हैं वो सबको डराता था और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी बकरी ने उसे डराया। वो संभल ही ना पाया था कि बकरी ने क्या किया, दोबारा बकरी ने अपने सींग उसके सीने में इतने जोर से मारे कि वो चीख उठा। शतविशित सीने से लहू की बहती धार देख भेड़िए के होश उड़ गए, परंतु एक युवा बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसको कुछ जचा नहीं। वो भी पूरी साहसा बटोर कर पूरे वेग से झपटा। वो चाहता था दोबारा से उसने हमला किया, अगर वो भेड़िया चाहता था तो भाग सकता था, लेकिन उसने कहा कि एक युवा बकरी से
यानी एक छोटी सी बकरी के सामने मैं भाग जाऊं, ये उसको जचा नहीं और उसने उसके साथ में क्या किया, डरना शुरू कर दिया। बकरी द्वारा लगातार अपने ऊपर होते हमले को देख भेड़िए के लहू में भी उबाल आ गया। बकरी बार बार उस पर हमला कर रही थी तो भेड़िए को भी क्या हुआ, अपने खून में उबाल आ गया और वो भी उसके साथ उसी पूरी ताकत के साथ लड़ने लगा। वो पूरी ताकत लगाकर बकरी के ऊपर टूट पड़ा। वह बकरी कब तक भेड़िए का मुकाबला करती थी, क्योंकि वो तो एक नाजुक सी बकरी थी, वो उसका मुकाबला कैसे कर सकती थी। वो अब तक भेड़िए से आमना सामना करने की अपनी लालसा पूरी कर चुकी थी। अपने साथियों के डरपोक प्रवृत्ति के कारण और आपस में एकजुटता नहीं होने के कारण बेचारी वो वही शिकार हो गई। पेड़ पर बैठे वो अकेली उसका शिकार होती चली गई। बार बार वो भेड़िया उसे मारता गया और वो जख्मी होकर उसका शिकार बन गई। क्यों? क्योंकि वो एक अकेली थी। अगर उसके साथ सारे बकरियां एकजुट होकर मिल जाती तो वो शिकार ना बनती। सामने एक पेड़ के ऊपर मैना और तोता दोनों बैठे थे। तोता ने मैना से पूछा, भेड़िया से भिड़कर बकरी को क्या मिला? दोनों ये नजारा देख रहे थे तो तोता ने उससे पूछा कि ये भेड़िए से इससे भिड़कर इसको क्या मिला, ये तो मौत के घाट उतर गई। मैना ने पूरे जोर से उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पंडितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई पर भेड़िए को घायल करके मरी है। भेड़िया भी अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगा। उसकी सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़ कर मरने पर बाध्य करेंगे। वो उसने कहा कि वो तो मर गई लेकिन उसने क्या किया, एक भेड़िए को जख्मी करके मरी है और ये भेड़िया भी ज्यादातर जीवित नहीं रह सकता। काश बकरी के अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता और भेड़िए पर एक साथ मिलकर वह वार किया होता तो वह आज बाड़े में कैद जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ पर निःशुल्क और स्वतंत्र घूम रही होती। बराबर आज